बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। एट्स ए हैज नॉट येट सेटल्ड। शाबाश शाबाश, हरी अप। लेट्स स्टार्ट द असाइनमेंट। पेज नंबर टू, पेज नंबर टू, देयर इज ए हेडिंग लाइट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। हरी अप, पेज नंबर टू, ओपन योर रजिस्टर, सेकेंड पेज ऑफ असाइनमेंट ऑल्सो। We have to proceed from light refraction and dispersion assignment page 2. शाबाश बेटे, attentively बैठना है। मैं हो सकता है आज क्लास का सेक्शन बताकर, रोल नंबर बताकर आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। बेटे कोई बच्चा 8th डी में जा सकता है, उनका माइक ऑफ है, प्लीज मैसेज दे दो 8th डी में। भैया 8th डी में मैसेज दे दो कि आप अपना माइक ऑन करो। Write down the heading. Today, now I am not waiting for those students who are not yet not settled. I am not waiting for those students. So, question number one, what do you mean by optically denser or rarer medium? शाबाश, रोल नंबर वन, 8th F, 8th रोल नंबर वन, प्लीज स्टैंड अप। 8th रोल नंबर वन, प्लीज कम ऑन द माइक। 8th F, बेटे आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या समझाया था? शाबाश, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या बताया था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकली डेंसर? टुवर्ड द मीडियम। हो सकता है बेटे वेग आंसर। ऑप्टिकली डेंसर टीचर ने बताया, जिसमें लाइट का वेलोसिटी, वी मीन स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, कम हो कंपैरेटिवली, लेसर। तो आप क्या डेफिनेशन करोगे? आउट ऑफ टू मीडियम्स, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स एट लेसर स्पीड इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। लिख लो फटाफट। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, मैडम जो बच्चे लिख नहीं रहे प्लीज उनको आप क्लास ना अटेंड करने दो। आउट ऑफ गिवन टू मीडियम, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स एट लेसर स्पीड, 8th A में कुछ बच्चे लिख नहीं रहे बेटे, मेरे कैमरे में आ रहे हैं, मैं पॉइंट आउट करके, आई विल नॉट अलाउ द क्लास। आउट ऑफ टू मीडियम गिवन मीडियम, the medium in which light travels at lesser speed is called optically denser medium, is called optically denser medium. और लास्ट में आप लिखोगे बेटे एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। कौन बच्चा मेरे को वाइस वर्सा का मीनिंग समझाएगा? द ऑपोजिट ऑफ द वन व्हिच हैज बीन रिटन। यस, द अपोजिट सेंटेंस ऑफ द अबव सेंटेंस इज आल्सो ट्रू।
इसका मतलब ये होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज दैट आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स एट फास्टर स्पीड। याद रखना बेटे, मेमोरी टूल में डेंसर में क्या होती है, लाइट का वेलोसिटी लेसर, रेयरर में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा बेटे, मोर। क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब, लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया कितने टाइम के अंदर अंदर, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, देयर आर फोर ऑप्शंस, प्लीज पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी बताओ, अगर आपका ऑप्शन ए है तो फर्स्ट फिंगर, बी है तो टू फिंगर्स, थ्री है तो सी है तो थ्री फिंगर्स, जल्दी बोलो कौन सा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रेज योर फिंगर फॉर द चोजन ऑप्शन। आई सेड एवरीबॉडी प्लीज रेज योर फिंगर फॉर द चोजन ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। एट्थ बीस, नो बॉडी, हाँ रेजिंग रेजिंग, शाबाश, डाउन। तो आप लोगों का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ऑप्शन दैट इज टेलिंग अस डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इट वाज, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू सच दैट वन इज ऑप्टिकली डेंसर अनदर इज ऑप्टिकली रेयरर, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस डेविएशन इन द डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, रीड द थर्ड क्वेश्चन, और एट्थ ए में से दोनों, दो बच्चों में से कोई भी जवाब देगा इसका, नितिन या तरुण, एट्थ ए में से थर्ड क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन द माइक, दोनों बच्चे, एट्थ ए, नितिन तरुण बोथ आर एब्सेंट, एट्थ बी सूरज उपासना, सूरज एंड उपासना, प्लीज कम ऑन द माइक, एट्थ बी। बेटे थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो जरा और इसका आंसर देने की कोशिश करो, पूछ रहा है ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे ए ऑप्शन और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल, बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस सही, व्हाट इज योर गुड नेम, सूरज। सूरज हैज गिवन द करेक्ट आंसर दैट दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एवरीबॉडी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन करेक्ट, सो वी हैव अटेम्प्टेड फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अटेम्प्टेड सेकंड क्वेश्चन, वी हैव अटेम्प्टेड थर्ड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हमने अभी तक अटेम्प्ट करे हैं, हैव यू अंडरस्टूड, इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड, एक हाथ तो खड़ा करना ही है आपने, वेव करना ही है बेटे, जो दोनों नहीं कर रहे ना वो चले जाएं क्लास में, अगर इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज वेव योर लेफ्ट हैंड, डाउन डाउन। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज रीड इट, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास मीडियम परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस
What happens to the path of ray of incident? क्वेश्चन सुनो बेटे, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर फोर, अगर किसी ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली आए तो क्या होता है? इंसिडेंट रे मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द ग्लास एज, एज ऑफ द ग्लास स्लैब, व्हाट हैपेंस टू इट्स डायरेक्शन? कौन बच्चा बता सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। ये वाला मैंने पॉइंट आपको बताया नहीं है थ्योरी में, देखते हैं फिर भी कौन बच्चा बता पाता है। अगर परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आए ग्लास स्लैब पर तो क्या होता है? सर इट कंटिन्यूज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक बच्चा 8th A में बड़ा अच्छा जवाब दिया। 8th A में अगर परपेंडिकुलरली लाइन हो तो वो डेविएट नहीं करती, ना तो इधर आएगी ना इधर आएगी, इट ऑलवेज गोज थ्रू स्ट्रेट लाइन इफ इट इज 90 डिग्री, इफ कंडीशन है। इफ इट फॉल्स परपेंडिकुलरली डाउन द ग्लास स्लैब एक्सक्यूज देन लाइट गोज अनडेविएटेड। मी सर, सर यस, एट एफ ने आंसर दिया है। सर हैं पार्डन, एट एफ ने आंसर दिया है। अच्छा, बेटे सॉरी, 8th F में कौन सा बच्चा परफॉर्मर था? ये बहुत अच्छा आंसर दिया, गुड सर गुरशरण। शरण। बेटे 8th F में एक बच्चा इसको रिप्लाई कर पाया, गुड शरण, वेरी नाइस। तो याद रखना, जब परपेंडिकुलरली लाइट गिरे, ये अकेली ऑप्शन है जब लाइट अपना रास्ता चेंज नहीं करती, इट गोज डायरेक्टली इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कंडीशन यह है कि ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करे। और एक बात और, इस कंडीशन में अगर आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ ले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, लिख लो, ये भी लिख लो फटाफट। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, देन लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड, सीधी निकल जाएगी। कोई बच्चा बता सकता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री कैसे हो गया? बिकॉज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज सेम 0 डिग्री। एक बच्चे बताने की कोशिश करी पर उसका टर्मिनोलॉजी थोड़ा वीक था, फिर भी बता गया बच्चा। तो बेटे इसका क्या आंसर है, ध्यान से सुनो। आप बोलोगे सर जो इंसिडेंट रे होती है ना, दैट मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब इंसिडेंट रे खुद ही नॉर्मल के ऊपर आ रही है, खुद ही, इट मीन्स यहां पर रखा हुआ सोर्स ऑफ लाइट यहां चला गया, वहां से लाइट नीचे आ रही है ऐसे, तो जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री होगा ही होगा, लिख लो ये भी बात। व्हेन, शाबाश, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स थ्रू नॉर्मल, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स थ्रू नॉर्मल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 0, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ का क्या बताया था? ए ऑप्शन। 5 का रीड इट एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। बी हाँ जी बेटे, कैन समबडी फ्रॉम 8th C, सागर और गुरवीर, कैन एनी ऑफ दीज टू स्टूडेंट आंसर 5th क्वेश्चन? सागर, गुरुवी एब्सेंट है। अच्छा बेटे सागर आए, सागर 8th C में। सागर प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं क्या है।
ये है बेटे, शाबाश, क्वेश्चन ये है कि लाइट एयर में से ग्लास में आ रही है, व्हाट आई मीन टू से, रेरर से डेंसर में लाइट आ रही है, तो ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी इंसिडेंट रे? शाबाश, ये नॉर्मल है। शाबाश, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर, टू वर्ड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सूरज हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो ये अपनी ये डायरेक्शन छोड़ के इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट, बिल्कुल सही। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज योर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। शाबाश, इफ समबडी हैज अंडरस्टूड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, प्लीज वेव योर राइट हैंड, अदरवाइज वेव लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथ वेव नहीं कर रहे हैं तो लीव दी क्लास। एक में जवाब देना ही देना बेटे। मैडम 8th F में फ्रंट रो पे दोनों बच्चियों को बाहर कर दो क्लास, फर्स्ट रो पे इस मिडिल क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, आपको वेव ही नहीं कर रहे, जैसे टीचर की आवाज ही नहीं सुन रही हो। आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक हाथ आपने वेव करना ही करना है, राइट इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेफ्ट इफ नॉट, डाउन। थैंक यू, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Assertion, when a ray enters water from air, it slows down and bends away from normal. बोलो yes or wrong? Assertion, फॉल्स false, बिल्कुल सही। Assertion is false. Why? क्योंकि जब एयर से पानी की तरफ वाटर जाएगी, रे ऑफ लाइट, इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल है, जबकि अजर्शन में लिखा है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो गलत हो गया। रीजन, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन एयर देन इन वाटर, बोलो ट्रू और रॉन्ग? कह रहा है रिफ्रैक्शन का कारण ये है कि हवा में जो लाइट होती है वो टू ज्यादा होती है और पानी में कम। ट्रू, बिल्कुल सही आंसर बताया, ट्रू। शाबाश, सिक्स्थ क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड, लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बेटे, प्लीज रीड इट, और मैं चाहूंगा कि इसके लिए 8th E के दो बच्चे, गुरशरण एंड जतिश, प्लीज कम ऑन द माइक, गुरशरण एंड जतिश, सेवंथ क्वेश्चन। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन अकर व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास स्लैब, ध्यान से सुनो, ट्रू कि जब ग्लास स्लैब के ऊपर व्हाइट लाइट थ्रो करेंगे तो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ट्रू और ये है ग्लास स्लैब, ट्रू या फॉल्स? बताओ, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, फॉल्स क्योंकि ग्लास स्लैब में सेवन कलर्स नहीं स्प्लिट होते, प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट होते हैं। क्यों बताता हूं बेटे, ध्यान से सुनो, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो वाला एज जिसके ऊपर लाइट थ्रो करे व्हाइट लाइट, और वो वाला एज जहां से लाइट निकलेगी, ये दोनों एज नॉन पैरेलल हो, नॉन पैरेलल, तब सेवन कलर्स में टूटती है। ग्लास स्लैब में क्या है, ग्लास स्लैब के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया, अपर एज येलो वाला और लोअर एज जिसको टीचर ग्रीन कर रहा है, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं। पैरेलल होने से लाइट सेवन कलर में, लाइट व्हाइट लाइट आई और यहां से कलर निकलते, सारे आपस
इंटरेक्शन में व्हाइट इज व्हाइट लाइट मीन की ग्लास में प्रिज्म टूटेगी, क्योंकि जिस एज से लाइट निकलती है वो वाला एज ग्रीन वाला, और जिस एज से लाइट इंसिडेंट हुई येलो वाला, प्रिज्म के केस में दोनों येलो और ग्रीन नॉन पैरेलल है, और जिस नॉन पैरेलल ग्लास ये वाले दोनों हो गए, ठीक है, पैरेलल होने से फिर स्प्लिटिंग नहीं हो पाई। प्रिज्म में दोनों सरफेसेस नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल में फिर हमें सेवन कलर स्प्लिट होकर दिखते हैं। रीजन डिस्पर्शन इज कास्ट बाय द फैक्ट दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स इन द ग्लास व्हिच रिजल्ट्स इन देयर बेंडिंग बाय वेरिंग अमाउंट्स। ट्रू ट्रू है, यस, बिल्कुल गलत। मैंने क्या बोला था, कलर्स की स्पीड डिफरेंट नहीं होती बेटे, कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, भूल गए आप? देखो अगर किसी ट्रांसपेरेंट में मैं रेड लाइट थ्रो करूं, ब्लू करूं, ग्रीन करूं, येलो करूं, सभी की सभी लाइट्स की वेलोसिटी सेम रहती है, एक ही मीडियम में, मीडियम एक ही होना चाहिए। लाइट की वेलोसिटी तब चेंज होती है जब मीडियम चेंज हो जाए, कांच से पानी में आ जाए, पानी से ग्लास में चली जाए, ग्लास से ग्लिसरीन में चली जाए, तब वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन सारे के सारे किसी भी कलर की रे किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है, कांच के अंदर अंदर मूव कर रही है, चाहे ब्लू चाहे ग्रीन चाहे रेड, सब सेम वेलोसिटी से जाती है। हाँ उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या था, क्रस्ट ट्रफ, यहां से यहां तक की लंबाई। वेवलेंथ सारे कलर्स की अलग होती है, स्पीड सेम होती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई क्लास, तो डिस्पर्शन का रीजन इसने गलत दिया है, रीजन इज आल्सो रॉन्ग, नोट कर लो। सेवंथ क्वेश्चन अजर्शन रीजन बोथ रॉन्ग, सिक्स्थ क्वेश्चन अजर्शन रॉन्ग रीजन करेक्ट। और एक लर्निंग पॉइंट लिखो सभी बच्चे, सभी बच्चे लर्निंग पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, शाबाश, हरी अप, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, बट लाइट रे ऑफ एवरी कलर, लाइट रे ऑफ एवरी कलर ट्रेवल्स एट सेम स्पीड इन ए गिवन मीडियम, लाइट रे ऑफ एवरी कलर ट्रेवल्स एट सेम स्पीड इन द सेम गिवन मीडियम। क्वेश्चन नंबर एट, हाँ जी बेटे, एट में डिस्पर्शन का डेफिनेशन कौन सा पिकअप करोगे ऑप्शन, एवरीबॉडी प्लीज रीड डाउन, आई वांट द आंसर फ्रॉम एट्थ एफ, जस्मीन जस्मीन एट्थ एफ प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे एट्थ क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई टू गिव द आंसर। सर बी ऑप्शन, बच्चा कह रहा है बी ऑप्शन, डिस्पर्शन इज द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट वेवलेंथ, बिल्कुल करेक्ट, फुल मार्क्स टू जस्मीन, शाबाश बेटे, बैठो। सभी बच्चे एट्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन लिखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में चाहता हूं एट्थ जी में से पवनदीप, पवनदीप प्लीज कम ऑन द माइक, एट्थ जी बेटे प्रेजेंट है या एब्सेंट है? ऑप्शन कौन सा बेटे, कौन सा, वंस अगेन, सी ऑप्शन, लेट मी चेक, एट्थ जी में पवनदीप सी ऑप्शन कह रहा है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रे ऑफ लाइट When it passes through a prism, it changes
डायरेक्शन बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है बेटे। नाइन्थ का पवनदीप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सी ऑप्शन करेक्ट, शाबाश, 100 मार्क्स टू पवनदीप। अब मैं चाहता हूं 8G में से एक और बच्चा है, प्लीज कम ऑन द माइक, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह 8G, प्लीज कम ऑन द माइक, सर ट्राई टू गिव द कोई आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। व्हाट हेडलाइट कलर ऑफ लाइट एक्सपीरियंस द लीस्ट डेविएशन व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म? 100 रेड, 100% करेक्ट, फुल मार्क्स टू परमवीर, शाबाश बच्चे, बहुत ही अच्छा, रेड कलर में सबसे कम डेविएशन होता है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज मिनिमम। कोई बच्चा कहता सर कैसे, आपको याद होगा टीचर ने विबग्योर के स्पेलिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखवाए थे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम था प्रिज्म में, याद है बेटे? अगर यहां पर 7 कलर्स हो तो यहाँ ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, सबसे ऊपर वाला कलर रेड होएगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए मिनिमम होता है और वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर मैक्सिमम लिख लो, कभी काम आ सकता है। बहुत ही अच्छे, फुल मार्क्स टू पवनदीप, सॉरी परमवीर। अब मैं पूछना चाहता हूं 8D में से सुखमन से, प्लीज कम ऑन द माइक, 8D सुखमन, ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। सर एब्सेंट। बेटे फिर ऐसे करो, वंश को भेजो, वंश को 8D में से, वंश बेटे, वंश वंश माइक पे आओ, 11th क्वेश्चन का जवाब दो, और आप लोगों का कैमरा भी ऑफ है, 8D प्लीज स्विच ऑन कैमरा, कैमरा कैमरा इज नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग 8D। ओके बेटे, टेक्निकल पर्सन को दिखाना बाद में। बेटे वंश आ गया माइक पे, 8D, वंश आर यू बेटे ऑन माइक, बेटे ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड व्हाट? बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मजा आ गया आज तो पढ़ाने का, 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन कैसे बता दिया इस बच्चे ने, बिल्कुल सही, कैसे? इसने बोला सर ये प्रिज्म है, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट ऐसे चले जाती, पर ये लाइट यहाँ पर डबल फर्स्ट रिफ्रैक्शन फिर सेकंड रिफ्रैक्शन करती हुई इधर गई, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन के बीच में एंगल होते हैं उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। दिस आंसर हैज बीन करेक्टली गिवन बाय वंश ऑफ 8D, फुल मार्क्स, शाबाश, वेरी गुड। मैं चाहता हूं अब मेरे को 8A का, तरुण करके एक बच्चा है 8A का, सर एब्सेंट, वो सही एब्सेंट है, नितिन को तो बुला लिया था सर शायद। एक बच्चा 8F में, हविष्या करके है भाई 8F में, बेटे है, प्रेजेंट है, बेटे माइक पे आओ, ट्राई टू गिव दी आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट विजिबल इन, बोलो, ऑप्शन डी ऑप्शन, शाबाश, बिल्कुल सही, मजा आ गया, तो फुल मार्क्स टू हमेशा। बेटे इस बच्चे ने हमें बताया कि डिस्पर्शन की जो फिनोमिना है, यानी व्हाइट कलर का 7 कलर्स में स्प्लिट अप होने की जो प्रोसेस है, वो प्रिज्म में तो दिख सकती है, ग्लास स्लैब में नहीं दिख सकती, मिरर में नहीं दिख सकती, इसका मतलब इस बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाते हैं, 12th का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12th डी ऑप्शन, एंगल सॉरी डिस्पर्शन प्रोसेस इज नाइदर ऑब्जर्व्ड इन द
क्लास लैब नॉर इन मिरर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं चाहता हूं, रेंडमली बुलाता हूं नाम के बिना, 8th C में से रोल नंबर 10। 8th C में से रोल नंबर 10, प्लीज कम ऑन द माइक। हाँ बेटे, आपकी कोशिश होनी चाहिए 13th क्वेश्चन का जवाब दो। 13th का, द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन द प्रिज्म ड्यू टू डिफरेंट डैश ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। बी ऑप्शन डी या बी? सर बी। हाँ बी स्टैंड फॉर बॉम्बे। बिल्कुल सही व्हाट योर गुड नेम? व्हाट योर गुड नेम सहज जी? सहज। सहज, बहुत ही अच्छा नाम है। सहज बच्चे को मैंने रेंडमली बुलाया रोल नंबर 10, और इसने 100% करेक्ट आंसर दिया। क्या दिया इस बच्चे ने जवाब? कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो प्रिज्म में होती है वो इसलिए होती है कि सातों कलरों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ रेड की मैक्सिमम होती है, वायलेट की मिनिमम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों ने, आपने देखा बेटे, यहां से लेकर यहां तक 7th क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन का आंसर टीचर ने नहीं दिया, बच्चों ने दिया। इट मींस आपने बहुत ही अच्छे से लेक्चर सुना। लेट्स मूव टू दी 14th क्वेश्चन। 14th, मैं चाहता हूं रोल नंबर 10 आए एफ सेक्शन में से। एफ सेक्शन में से रोल नंबर 10, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। हरिया, बेटे 15th को जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, रोल नंबर 10। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या बात है यार, सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन क्या था कि जब सूरज की लाइट को ग्लास प्रिज्म में से निकाला जाएगा तो नीचे लिखी हुई फिनोमिना में से कौन सी ऑब्जर्व करेंगे? फोटोग्राफी, टेलीस्कोप, रेनबो, एटसेट्रा। तो आंसर ये है बेटे, जो सनलाइट है, चाहे वो रेनड्रॉप्स में से निकले चाहे प्रिज्म में से निकले, सनलाइट के व्हाइट, सनलाइट जो कि व्हाइट कलर की होती है, उसका 7 कलर्स में स्प्लिट अप होना रेनबो फॉर्मेशन कहलाता है। रेनबो फॉर्मेशन। सर 14th रहता ओके ओके, 14 कर लेते हैं। और इसमें क्या करा बच्चे, मैंने तो अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ, मेरी एक विंडो है उसके ऊपर ग्लास है, तो मैंने ग्लास को ग्लास से जोड़ने वाला छोटे छोटे स्टिक लगा दिए उसमें, ग्लास से ग्लास जोड़ दिया विंडो से, उसके ऊपर प्रिज्म जोड़ दिए। अब जब सनलाइट उस विंडो में से पड़ती है ना, तो मेरे कमरे में मल्टी कलर्स दिखते हैं। तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विंडो के बाहर प्रिज्म रखने के बाद। तो 15th क्वेश्चन का इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। लेट्स गो बैक अ 14th क्वेश्चन, टू द 14th क्वेश्चन। व्हेन यू पुट अ पेंसिल इन ए ग्लास ऑफ वाटर, इट अपियर्स बेंट एट द वाटर सरफेस ड्यू टू। एक मिनट रुक जाओ, इसका कोई बच्चा जवाब नहीं देगा। जैसे ही मैं बोलूंगा यस, तो सारी क्लासों के सारे बच्चे अपनी ऑप्शन को पिकअप करेंगे, उस ऑप्शन का नाम बताएंगे। ओके, देखते हैं 14th क्वेश्चन। एक पानी में डाली हुई पेंसिल टूटी हुई क्यों दिखती है? उनमें से इन सारी प्रोसेसेस में कौन सा रीजन है? यस, ये ऑप्शन सी ऑप्शन। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से किसी कंटेनर में रखी हुई लॉन्ग रॉड ब्रोकन दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, मैं ये चाहता हूं इसका आंसर 8th E में से लास्ट रोल नंबर दे। 8th E में से लास्ट रोल नंबर किसका है? आ जाओ बेटे माइक पे, आ जाओ फटाफट। आप जल्दी से 16 क्वेश्चन करो।
बता सकते हो तो बताओ। बी बैठो बैठो, ये बी ऑप्शन नहीं सही बेटे, बैठो बैठो। और कोई बच्चा बता सकता है 16th क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही हो सकता है? 16 रिफ्रैक्शन सर डी, सर डी क्या से डी ऑप्शन। इसका 16th का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका मीनिंग समझ लो बेटे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। द मिराज फिनोमिना इन डेजर्ट्स वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपियर क्लोजर एंड डिस्प्लेस इसका इज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना बेटे, जब कभी मरुस्थल में जहां पर बहुत ही बहुत रेत है जैसे कि राजस्थान, वहां पर जब कैमल राइडर जाते हैं ना, तो उनको सामने जो पेड़ खड़ा होता है, एक आधा कोई पेड़ होता है, पहले पहले तो डेजर्ट में होता नहीं, मान लो एक आधा है, तो उस पेड़ का नीचे शेडो दिखता है उनको, उनको लगता है पेड़ के इर्द गिर्द पानी है, तभी उसका शेडो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पेड़ के इर्द गिर्द सिर्फ रेत ही होता है। ये जो इल्यूजन है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द डेजर्ट हॉट सनी डे, जब बिल्कुल सूरज तप रहा हो दोपहर के वक्त, ये जो इल्यूजन होती है इसको मिराग इफेक्ट इन डेजर्ट्स बोलते। ऐसे ही हम अपने मैदानी इलाकों में, जो हमारे पंजाब जैसे हरियाणा जैसे बिल्कुल सड़क वाले इलाके हैं, वहां पर भी हम मिराग इफेक्ट देखते हैं। कैसे? हम बाइक पर जा रहे हैं, हमें लगता है हॉट सनी डे के दिन, गर्मियों में दोपहर 12 2 बजे के आसपास, तो हमें लगता है कि सड़क वहां दूर ना, उसके ऊपर कुछ लिक्विड गिरा हुआ है, कहीं हमारा बाइक स्किड ना कर जाए, हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस गीली जगह के पास पहुंचते हैं, हमें लगता है कि हम और नोटिस करते हैं कि सिर्फ महसूस हो रही थी कि सड़क गीली है, वहां जाकर देखते हैं तो वो सूखी होती। ये भी मिराग इफेक्ट होता है इन द नॉर्मल रीजन्स, ओके। और इन दोनों के बैकएंड पे जो कारण होता है लाइट का, कौन सी फिनोमिना होती है? रिफ्रैक्शन। लिखो, शाबाश शाबाश सभी बच्चे। मिराग इफेक्ट आइदर इन डेजर्ट्स, मिराग इफेक्ट आइदर इन डेजर्ट्स और इन नॉन डेजर्ट प्लेसेस, और इन नॉन डेजर्ट प्लेसेस ऑन दी हॉट सनी डे, ऑन दी हॉट सनी डे द बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। शाबाश, कौन बच्चा जवाब देगा क्वेश्चन नंबर 17? असर्शन, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट सेपरेट्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। फॉल्स। फॉल्स। असर्शन 17 ए फॉल्स, क्योंकि 7 कलर में तो तब टूटती है जब प्रिज्म हो। रीजन, द सेपरेशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड ब्लू। द ग्लास। फॉल्स। फॉल्स। बट स्पीड डिफरेंट नहीं होती सारे कलरों की, सारे अलग अलग कलरों की एक ही मीडियम के अंदर स्पीड सेम होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, वेवलेंथ। ओके, तो रीजन भी रॉन्ग है। ओके, शाबाश। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन, रीड इट।
यस और नो? ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। देखो, ट्रू हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, एक प्रिज्म है, उसकी रे ऑफ लाइट जा रही है, इसको बेस बोला था टीचर ने, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो लाइट उधर को जा रही थी, लेकिन हमें पता है कि इधर को मुड़ जाती। इधर को मुड़ने का मतलब बेस की तरफ मुड़ना, यही वो कह रहा है। व्हेन व्हाइट लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास प्रिज्म, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। बिल्कुल सही, रीजन बताओ। ट्रू ट्रू रीजन बच्चे ट्रू कह रहे हैं, लेट मी चेक। ए ऑप्शन ए ऑप्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स इन ए डेंसर मीडियम। करेक्ट, अजर्शन ट्रू, रीजन आल्सो ट्रू। तो 18th क्वेश्चन का भी आपने सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अजर्शन एंड रीजन, प्लीज रीड आउट। देखते हैं कौन सी क्लास ट्रू का जवाब देते हैं। हरी अप, ट्रू ट्रू। एट एट ई ने सबसे पहले जवाब दिया, लेट मी चेक। सर डी दिया ने ई और डी मेरा कल ड्रा हो गया बेटे, क्योंकि मेरे पास जैसे ही जवाब आता है ना, आपकी क्लास की फोटो जो आ रही है उसके ऊपर ग्रीन बाउंड्री आ जाती है, तो मेरे को पता लग जाता है किसने पहले दिया। 18 में बोला बच्चे ने, रेनबोज आर फॉर्म्ड व्हेन वन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फियर। बिल्कुल सही, रीजन बताओ। ट्रू ट्रू, 8th D कह रही है ट्रू। लेट मी सी के विनर है कि नहीं, सबसे पहले इन्होंने दिया। द डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेनबो रिजल्ट फ्रॉम द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच कॉजेस द वेरियस कलर्स टू बी रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। गलत, रिफ्लेक्ट फॉल्स टू बी रिफ्लेक्टेड नहीं आना, टू बी डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। डेविएटेड नहीं पढ़ा था, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन में। सर फॉल्स यस, रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन पहले तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपको चकमा दे गया है, स्टार लगा लो इस पे, ये पेपर में भी गलत कर सकते हो। 19th क्वेश्चन सारे बच्चों को चकमा देने में कामयाब हुआ, बाकी क्वेश्चंस को आप लोगों ने हरा दिया, लेकिन 19th क्वेश्चन ने आपको हरा दिया। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। कैन ए स्पेक्ट्रम फॉर्म इफ रेड लाइट फॉल्स ऑन द पेपर। नो बिल्कुल सही, आपको टीचर ने कंडीशन बताई थी, याद है बेटे, के डिस्पर्शन के लिए कौन सी लाइट आनी चाहिए प्रिज्म पे? हाँ, व्हाइट प्रिज्म व्हाइट व्हाइट लाइट के ऊपर आने वाली लाइट हर हालत में व्हाइट ही होनी चाहिए, व्हाइट मस्ट है। और क्वेश्चन में क्या बता रहा है, वो रेड बता रहा है, इसलिए 20th क्वेश्चन का हमारा आंसर रेड के ऊपर डिस्पर्शन नहीं होगी, नो डिस्पर्शन विद रेड कलर। ओके, तो ये आपने सही आंसर दिया। आपको याद है जब हमने ये क्वेश्चन करा था, टीचर ने ब्रैकेट में हेडिंग के पास ही कंडीशन लिख दिया था, याद है किसी बच्चे को ये बात? यस सर लेट्स मूव टू दी 21st क्वेश्चन। ह्यूमन आई का फिगर बना रखा है, उसके डिफरेंट डी ऑप्शन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है? हाँ, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। बिल्कुल सही, देखो डी ऑप्शन में लेंस के बाहर, टीचर ने आपको बताया था, कैसे बताया था दोबारा बताता हूँ ध्यान से। टीचर ने बोला था ये ह्यूमन आई दिख रही है फ्रंट से, और ये होता है आइरिस, आइरिस बच्चे, और ये इसके सेंटर में प्यूपिल होता है जहां से लाइट एंटर करती है। सेंटर वाला कौन सा बोला? प्यूपिल। साइड वाला कौन सा वाला? ब्लैक आइरिस। और ये जो व्हाइट पोर्शन होता है, ये सेक्लेरा होता है। तो जो ब्लैक पोर्शन होता है ना आइरिस, ये प्यूपिल को कभी ढक देता है कभी खोल देता है। जब कमरे में डिम लाइट हो और मेरा 100 रुपीज का नोट गिर गया, कमरे में डिम लाइट है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा,
तब मेरा प्यूपिल को बिल्कुल ओपन कर देगा, आइरिस पीछे पीछे हट जाएगा। ओके, शटर का काम करता है, शटर का, जैसे कैमरे का शटर होता है। पीछे क्यों हटेगा? ताकि प्यूपिल का ओपन एरिया ज्यादा हो जाए, आंख में ज्यादा लाइट जा सके। लेकिन मैं ऐसे सड़क पे चल रहा हूं, एकदम से सामने से ट्रक ने अपना हेडलाइट ऑन कर दिया, तो बहुत ज्यादा लाइट आई, तो मेरी आंख को अननेसेसरी ग्लेयर से, चकाचौंध से बचाने के लिए मेरा आयरिस प्यूपिल को सारी तरफ से ढक देगा। तो प्यूपिल का ओपनिंग एरिया रिड्यूस हो जाएगा, इधर से ढक देगा, इधर से ढक देगा, इधर से, इधर से, इधर से, ओपनिंग एरिया छोटा कर देगा ताकि कम लाइट जाए, ताकि मेरी आंख आई बॉल के अंदर चकाचौंध ना पैदा हो जाए, जरूरत से ज्यादा लाइट ना जाए। ओके, तो प्यूपिल का ओपनिंग एरिया कौन कंट्रोल करता है? आयरिस, शटर की तरह, जैसे कैमरे के ऊपर शटर होता है, वो लाइट को जाने भी देता है, रोक भी देता है, जाने भी देता है, रोक भी, फोटोग्राफिक कैमरे के ऊपर। बिल्कुल सही, 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21, डी ऑप्शन करेक्ट, आंसर्ड बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, शाबाश, हरी अप। द सी फंक्शन ऑप्शन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 23, हरी अप। बी ऑप्शन बी ऑप्शन यू आर सेइंग मैचिंग, मैच दी फॉलोइंग। 23rd है, अभी मैच नहीं आया। अभी तो 23rd है सर। फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, डॉक्टर विल एडवाइज हिम टू यूज बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन। बिल्कुल सही, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में हमें एक ऐसा लेंस चाहिए था जो हमारे आंख के कन्वेक्स लेंस की मदद कर सके, और मदद करने के लिए हमने आंख चश्मे के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया था, ताकि सामने से आ रही रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा वो बेंड कर दे, फिर आंख का जो अपना लेंस होएगा उसको जब हेल्प मिलेगी, बाकी की बेंडिंग आंख का लेंस कर देगा, ताकि लाइट कहां पर जाके फोकस हो सके, आंख लाइट जाके एग्जैक्टली फोकस हो सके रेटिना के ऊपर। तो ये वाला जो लेंस है ये चश्मे में लगेगा, अगर नजदीक की नजर सही करनी है तो स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्चे ने, और 23rd का बी ऑप्शन, शाबाश। लेट्स मूव टू दी 24th क्वेश्चन। बी ऑप्शन टाइम इज ओवर बी ऑप्शन बी ऑप्शन अभी नहीं हुआ टाइम ओवर जब तक असाइनमेंट नहीं खत्म हो। 24th का बी ऑप्शन बी सर ऑप्शन, बी ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन बेटे। 25th पे अजर्शन बताओ, 25th की अजर्शन एंड रीजन। अजर्शन, सिंपल, आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ट्रू, उसकी इसी एबिलिटी को हम अकोमोडेशन से लिखते थे। अकोमोडेशन, स्पेलिंग नोट कर लो, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन लिख दो, सारी असाइनमेंट के पास ही लिख दो, अकोमोडेशन। आंख के लेंस की ये खूबी कि वो जरूरत के मुताबिक अपने आप को दूर की चीज पे फोकस कर सके या नजदीक की चीज पे फोकस कर सके। एट ए टाइम एक चीज पर फोकस करेगा वो क्लियरली, दोनों पे इकट्ठे नहीं कर सकता। The reason is false. चेंज इन द लेंस शेप इज अचीव्ड बाय कॉर्निया। नो नो नो, किसके द्वारा था? कौन करता था? मसल्स सिलियरी मसल करते थे। बिल्कुल सही, 8th A में बहुत ही बढ़िया जवाब आया, सिलियरी मसल अरे करते थे। ईने दिया है। अजर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26, हरी अप। 26, व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू द आई इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट द कॉर्निया एंड एट द लेंस बिफोर फॉर्मिंग एन इनवर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। बोलो, ट्रू बिल्कुल सही, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 का अजर्शन ट्रू है, क्योंकि कुछ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया से हो जाएगी। कॉर्निया क्या था? लेंस के आगे ट्रांसपेरेंट लेयर जो लेंस को धूल मिट्टी से बचाती है, वो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंट लेयर में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाती है, फिर आगे रिफ्रैक्शन लेंस करता है, उसके बाद रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनता है, इनवर्टेड।
रीजन बताओ द इन्वर्जन इमेजिन ट्रू 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 है भी ट्रू है शाबाश पैराग्राफ लास्ट क्वेश्चन बेटे जशन वॉज फीलिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स दैट ही वॉज नॉट एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स यानी कि उसको मायोपिया है ही ऑल्सो फील्स हेडेक समटाइम एंड हिज आईज ऑल्सो बिकम वाटरी वेन ही ट्राइज टू सी द फार ऑब्जेक्ट सो हिज मदर टुक हिम टू द डॉक्टर आफ्टर प्रॉपर चेकअप डॉक्टर फाइंड्स द जशन हैज एन आई प्रॉब्लम कॉल्ड मायोपिया डॉक्टर एडवाइज्ड इन स्पेक्टेकल्स विद सूटेबल लेंस कौन सा लेंस लगाएगा कनकेव लेंस कनकेव लेंस शाबाश क्वेश्चन मायोपिया के लिए कौन सा लेंस लगता है लिख लो सभी बच्चे कॉनकेव लेंस सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम मायोपिया मायोपिया में हमें क्या होता है दूर की चीज धुंधली दिखती है कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स ना ना कांट सी गलत हो गया कांट सी लिखोगे तो गलत है आपने लिखना है फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखते हैं दिखेंगे तो सही धुंधले दिखेंगे जो बच्चा ये लिखेगा मायोपिया में कांट सी द फार ऑब्जेक्ट्स उसने तो दूर की चीजों के लिए अंधा बना दिया कांट सी नहीं लिखना ब्लर्ड ही सीज द फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड सी ऑफ सी क्वेश्चन बताओ व्हाट टाइप ऑफ फूड ही मस्ट इंक्लूड इन द डाइट टू प्रोटेक्ट आईज एंड विजन फूड रिच इन विटामिन ए विटामिन ए लो कैरेट लो लिख लो विटामिन ए लेना चाहिए शाबाश आईज की केयर के लिए लिखो हरी आप ये बहुत जरूरी है विटामिन ए कैरेट खानी चाहिए शाबाश जल्दी करेला खाना चाहिए बेयर फुटेड ग्रास पे चलना चाहिए कोल्ड वाटर से आईज डेली मॉर्निंग वॉश करनी चाहिए डेली मॉर्निंग सोने से पहले आईज वॉश करनी चाहिए सोने से पहले आईज वॉश करनी चाहिए और दिन में दो बार आपको अपना पेट साफ करना चाहिए बाथरूम में जाकर टॉयलेट में जाकर दिन में दो बार एटलीस्ट एटलीस्ट जो बच्चे एक बार जाते हैं उनका अंदर से बैली खराब हो जाता है और उनकी गंदगी अंदर रहती है और उनकी आईसेट कम होती है हाइट भी कम होती है उनकी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट लिख लो तो आज की असाइनमेंट जिन बच्चों को समझ आ गया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स गिव एन इंडिकेशन वेरी नाइस हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी हैप्पी दिवाली सर बेटे करेक्टर को ध्यान से चलाना और एक बात और जो 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 बच्चे सिख लोग हैं उनको पता है कि वो फेस को बचाने के लिए एक शील्ड लगाते हैं शील्ड उससे उनके धूल मिट्टी नहीं मिलती पड़ती जब वो बाइक चलाते हैं वही वाला शील्ड आप फेस पे लगा सकते हो दिवाली के क्रैकर्स को फायर करने के लिए इग्नाइट करने के लिए फेस पे शील्ड लगा लो ओनली 50 रुपीज की आ जाती है मार्केट से फिर आप क्रैकर्स को एंजॉय करो वो भी मम्मा पापा की प्रेजेंस में हर साल दिवाली में कई बच्चों की आंखों में स्पार्क्स पड़ जाते हैं हर साल पिछले साल पीजीआई में 106 बच्चों को स्पार्क पड़े थे आईज में 106 ट्राई सिटी में पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ मिलाकर 106 ध्यान से चलाना क्रैकर्स पापा की प्रेजेंस में चलाना ओके बाय बाय हैप्पी दिवाली ऑल हैप्पी दिवाली टू टीचर्स आल्सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस सर बाय बाय परसों आएगा ना तो परसों ही है दिवाली मतलब कल भी आया हमारे पास तो आज हम क्यों से